नमस्कार, मैं हूँ पोयम डालमिया, स्पिरिचुअल हीलर और आपकी वेलनेस कोच। आई होप आप सभी लोग सेफ हैं, सुरक्षित हैं अपने अपने घर में। काफ़ी टाइम के बाद मैं आज आपसे बात कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा हमारा अभी बहुत ज़्यादा बिजी हैं हम लोग हीलिंग में, और काफ़ी और भी चीज़ें चल रही हैं उसमें। तो एक एक्सपीरियंस आपके साथ मुझे शेयर करना था, वो ये है कि क्योंकि हम हमारे पास ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव कॉल्स नहीं आते। हमारे पास लोग परेशान हैं, अब उनको प्रॉब्लम है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड है, काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं, तो वो हमारे से डिस्कस करते हैं, हमारे पास इसलिए कॉल आता है। कहीं ना कहीं कभी कुछ ऐसी भी चीज़ हो जाती है जिससे कि हमारा भी माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही वाक्या हुआ जिसकी वजह से थोड़ा सा कल मुझे टेंशन हो गई थी, और कहीं ना कहीं एक डिस्टर्बेंस भी थी। हम कितना भी पॉजिटिव होने की कोशिश कर लें, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो अवॉइड नहीं की जा सकती हैं। तो कल थोड़ा सा मेरा माइंड डिस्टर्ब था। आज मैं आपसे कुछ सिंपल रेमेडीज़ के बारे में ही बात करने वाली हूँ इस वीडियो में। और अभी जैसे क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि जो न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ चैनल में देखिए वो एक माध्यम है हमारे पास खबर पहुंचाने का, न्यूज़ पहुंचाने का, कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, किस तरीके की चीज़ें जो है वो चल रही हैं, हमें न्यूज़ देख के क्या क्या प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। बट हम लोग वी आर एनर्जी वर्कर्स, हम एनर्जी पे काम करते हैं। तो जब आपके घर में टीवी चल रहा होता है तो कहीं ना कहीं वो जो वाइब्रेशन है वो क्या होती है कि पूरी जैसे यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स में क्या है कि हम जब बात करते हैं या हम कुछ सुनते हैं तो वो वैसी ही वाइब्रेशन जो है वो हमारे आसपास क्रिएट हो जाती हैं। तो अगर न्यूज़ में भी आप लोग देख रहे होंगे कि 100 में से 80 चीज़ें जो हैं वो एक तरीके से ठीक नहीं है, 20% ठीक है, तो हमारे ऊपर जो वो जो 80% नेगेटिव चीज़ें हैं उनका असर कहीं ना कहीं ज़्यादा पड़ता है। तो ऐसे ही हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर जो एक माहौल होता है वो बन जाता है। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ कि मुझे कुछ सुनने को मिला जिसकी वजह से थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो गया था। तो क्योंकि हेडेक हो रहा था तो बीपी मशीन है ही मेरे घर पे, तो मुझे लगा थोड़ा सा मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। अनइजीनेस हो रहा है और थोड़ा अजीब सा ही फील हो रहा था। तो फिर क्या हुआ कि मैंने थोड़ा सा घर पे ही चेक किया। मैं आपको एक बार दिखाती भी हूँ क्योंकि मेमोरी में इसमें, हाँ, तो जब मैंने बीपी चेक किया अपना तो ये इस तरीके से आया 93/71। दो तीन बार चेक किया क्योंकि हेडेक हो रहा था, तो मुझे समझ में आ गया था कि कहीं बीपी का इशू आ रहा है। तो अब ये इस तरीके से आया। तो अब क्या है, घर घर के जो लोग होते हैं वो ऑब्वियसली आपकी चिंता करते हैं, सोचते हैं, तो सबको वही लगता है कि नहीं डॉक्टर के पास जाएं, उनसे डिस्कस करें या फ़ोन पे डिस्कस करें। तो कुछ नहीं है, मैं थोड़ा एलोपैथी में मेरा विश्वास थोड़ा सा कम है। मैं अपने जो घर के आसपास, क्योंकि हमने ना बचपन से ही ये चीज़ें देखी हुई हैं कि कोई भी हमें प्रॉब्लम होती थी तो उसका सॉल्यूशन हमारे घर में ही होता था। मम्मी या जो बड़ी मम्मा है, जो दादी थी या नानी, वो अपना घर में ही पता नहीं कुछ कुछ ऐसा कर देती थी हमारे सामने कि हमें कुछ ही मिनटों में जो है आराम मिल जाता था। तो इसीलिए वही है कि जो आप देखते हैं वही चीज़ का असर आपके ऊपर ज़्यादा होता है। तो हमारे भी ना दिमाग पे वही वाली चीज़ों का असर है कि घर में ही आप अपने किचन को इतना अच्छे से आप अगर मेंटेन कर लें कि उसमें आपको बहुत सारे आपको इंस्टेंट वाले जो रिलीफ जब चाहिए होते हैं वो मिल जाएं। तो अब बीपी इस तरीके से आया, दो तीन बार मुझे लगा कि बीपी मशीन में कुछ प्रॉब्लम होगा। जब दो तीन बार चेक किया तो वो यही शो कर रहा था 93/95 इस तरीके से। तो मैंने वही जो मेरे पास एक ही, देखिए मैं शुरू से ही आपसे बात कर रही हूँ कैम्फर और गिलॉय के बारे में, एक डेढ़ साल इस चीज़ को हो गया है और मैं खुद भी ये चीज़ें कर रही हूँ और इसका बहुत बेनिफिट है। तो आपको थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ। तो ये जो डिफ्यूज़र है मैंने फिर कैम्फर को इसमें लिया, क्योंकि देखिए कैम्फर अगर आप ना इसको, कैम्फर में भी डिपेंड करता है आप कौन सी क्वालिटी का कैम्फर यूज़ कर रहे हैं, कैम्फर में भी बहुत सारी क्वालिटीज़ आती हैं। तो मैं क्योंकि मुझे अपने क्लाइंट्स को भी आगे कैम्फर देना होता है, तो हम कोशिश करते हैं बिल्कुल हमारे पास जो भी कैम्फर आए वो बिल्कुल प्योर हो। तो इस तरीके से ये
प्योर कैम्फर है, हालांकि थोड़ा एक्सपेंसिव आता है, बट ये क्रिस्टल क्लियर है, इसकी ये पहचान है। तो ये कैम्फर मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं जब मेरा बीपी नीचे गया तो उसकी वजह से क्या हुआ, मुझे थोड़ा सांस लेने में भी अजीब सा लग रहा था यहाँ पे। तो आप कैम्फर अगर आप ना नॉर्मल, कुछ लोग बोलते हैं कि आप किसी भी बाउल में करके आप इसको ऐसे ही रख दीजिए, साथ में कुछ इलायची भी रख दीजिए। तो देखिए क्या है कि जब भी हमें अपने अंदर कोई चीज चाहिए होती है, अब फॉर एग्जाम्पल कैम्फर तो एक माध्यम है ना, तो कैम्फर को जब हम इनहेल करेंगे तो ये आपको फायदा देगा। तो कोशिश करिए कि डायरेक्ट आप कैम्फर को ना जलाएं। आप क्या करें, कैम्फर को पानी में डालिए, ये जो डिफ्यूजर है इसके अंदर मैंने पानी में ही डाला है, क्योंकि मेरे पास ना कुछ क्लाइंट्स का बड़ा अच्छा फीडबैक आया है जिनके पास ये डिफ्यूजर गया था। मैंने उनको बोला था कि आपके घर में जो प्रॉब्लम चल रहा था वो ठीक हुआ, तो मुझे बताया गया कि हाँ मैम तबीयत खराब थी, दो तीन लोगों का कॉल आया, लेकिन जब हमने कैम्फर का फ्रीक्वेंट यूज किया तो उससे हमारे को बहुत, हम बेटर हो गए, हमें बहुत अच्छा फील हुआ। तो अब इसमें अगर हम डायरेक्ट कैम्फर डालेंगे कुछ सेकंड्स में इवेपोरेट हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। अब मैं इसके अंदर अगर पानी डाल देती हूँ ना, पानी में देखिए जो बबलिंग हो रही है, तो पानी के साथ में कैम्फर क्या कर रहा है, धीरे धीरे जो है ये हवा में इवेपोरेट हो रहा है, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, जब ये हवा में धीरे धीरे फैल रहा है तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, एक तो आपके माइंड को रिलैक्स कर रहा है, ठीक है, जो एक नेगेटिविटी आपके ऑरा ने कैरी की हुई है, ये नेचुरल तरीके से कैम्फर क्या कर रहा है, उसको हवा के थ्रू, हवा के माध्यम से, क्योंकि देखिए हवा एक ऐसी चीज है जिसको हम रोक नहीं सकते हैं, तो हवा के माध्यम से ये क्या कर रहा है, कैम्फर इवेपोरेट होके आप जब सांस ले रहे हैं तो ये आपके सांस के थ्रू आपकी बॉडी में जा रहा है। जब आप इनहेल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक तो आपके माइंड को पॉजिटिव कर रहे हैं, दूसरा आपको, अगर आप कोई भी आप स्टडी में देखेंगे ना, कैम्फर आपके हेडेक को, आपके कोल्ड कफ को भी क्लियर करने में हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पे मैं ये बात नहीं कर रही हूँ कि बिल्कुल कोविड पेशेंट हैं और हॉस्पिटलाइज हैं और उसके बाद आप उनको कैम्फर का यूज कराए। यहाँ पे हम अगर ठीक हैं, थोड़ा बहुत हमारे को हेल्थ इशू आ रहा है, हमें थोड़ा सा सफोकेशन फील हो रहा है, अगर हमें इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम, जो जैसे आपकी एयर को प्यूरिफाई करने के लिए, क्योंकि आसपास इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है, आज मैं न्यूज देख रही थी उसमें बता रहे थे कि हवा के थ्रू भी फैल रहा है, दूसरी न्यूज में ये है कि पानी के थ्रू भी फैल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड को कोई ना कोई चीज तो हिट कर ही सकती है। तो ये जो नेचुरल चीजें होती हैं, नेचुरल रेमेडीज होती हैं, ये आपको कहीं ना कहीं सबसे पहले तो ये आपके माइंड को पॉजिटिव करती हैं। जब आपका ऑरा पॉजिटिव है, जब आपका माइंड पॉजिटिव है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, आपको सही तरफ, मतलब पॉजिटिव तरफ ले जाना आपका माइंड शुरू कर देगा, जिसकी वजह से आप क्या है, नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। यहाँ पे आपकी जो पॉजिटिविटी है वो नेगेटिविटी के ऊपर हावी हो जाएगी। तो कैम्फर का बहुत बड़ा रोल है आपकी एनर्जीज को, आसपास की जो जितनी भी एनर्जीज हैं उसको बैलेंस करने में, क्योंकि क्या होता है कि जब आप कोई भी न्यूज़ सुन रहे हैं, जरूरी नहीं है सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके पास आप फोन देख रहे हो, आपके पास ऐसे कॉल्स आ रहे हैं कहीं ना कहीं से जो थोड़ा डिस्टर्बिंग है, तो उससे क्या होता है, आपके आसपास का जो माहौल है वो खराब हो जाता है। अब जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं इस कैम्फर को इनहेल कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब इसकी बहुत अच्छी वाइब्रेशन है। तो कुछ लोग सजेस्ट करते हैं आप कैम्फर को कांच के बाउल में रख दो, साथ में आप इसमें कुछ इलायची भी यूज कर लो। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, जब आप कैम्फर का यूज कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप पानी के अंदर कुछ भी, एक हीटर टाइप का कुछ भी, आप एक ऐसा जैसे डिफ्यूजर मैं यूज कर रही हूँ, कुछ आप इस तरीके की चीज लें जिससे कि आपके जितने फैमिली मेंबर्स हैं, जितना आपका पूरा पूरे घर का जो एक स्पेस है वो उससे कवर होना चाहिए, क्योंकि आप एक जगह रख दोगे कोई फायदा नहीं है, मुझे इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं लगता। अब जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे ऑफिस में अगर कोई और भी आ रहा है, चार लोग आ रहे हैं, छह लोग आ रहे हैं,
उन पे भी इस कैम्फर की पॉजिटिविटी का कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि वही बीपी वाली, कि जब मैंने फील किया कि मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, हेडेक हो रहा है और मेरा बीपी जो मैंने आपको दिखाया इस तरीके से लो आ गया था, मैंने 10 मिनट या 15 मिनट के बाद में वापस से चेक किया, 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे बहुत ही, क्योंकि मैं फिर इंस्टेंट वाला अपना उपाय कर लेती हूँ। तो उसके बाद अगर हम बीपी देखेंगे तो फिर इस तरीके से, ये देखिए, ये फिर ये बढ़ गया यहाँ पे, ठीक है, 123.72 इस तरीके से ये आ गया। तो कहाँ पे ये जो था ये शो हो रहा था 97.58 और उसके बाद में फिर ये यहाँ पे, मतलब ये फिर अच्छा आना स्टार्ट हो गया 129.82 इस तरीके से। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर अब आप लोग बोलो ना कि लॉजिक क्या है और बहुत सारी चीजें, आई हैव नो लॉजिक, मैं एनर्जीज पे बिलीव करती हूँ। मैंने अपना अभी आपको प्रूफ दिखाया बीपी मशीन का कि पहले ऐसा आया, उसके बाद मैंने ये कैम्फर यूज किया, उसके बाद में फिर जब मैंने 5 मिनट के बाद में चेक किया तो इस तरीके से आया। तो ये कहीं ना कहीं इसका मतलब आपको पॉजिटिव कर रहा है। जब आप पॉजिटिव हो रहे हैं तो आपका जो ऑक्सीजन लेवल है कहीं ना कहीं वो भी मेंटेन हो रहा है, आपको जो सफोकेशन हुआ वो भी मेंटेन हो रहा है, आपके आसपास का जो माहौल है वो जो खराब हुआ किसी ना किसी वजह से, कैम्फर ने उसको भी मेंटेन किया। तो बिल्कुल मैं तो इन सब चीज़ों पे विश्वास करती हूँ और जो मैंने प्रैक्टिकल किया वो ही मैंने आज आपके सामने शेयर किया। बहुत ही बढ़िया चीज़ है, इसको यूज़ करिए, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पैसा काम नहीं आ रहा है। अगर हम ये सोचें कि हमारे पास ज़्यादा पैसा है दूसरे के पास कम है, यहाँ पे पैसे की बात ही नहीं हो रही है। अब हम इस लेवल पे आके खड़े हो गए हैं कि पैसा यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा है। किसी के पास करोड़ों है, किसी के पास हजार है, किसी के पास जीरो बैलेंस है, इट डजेंट मैटर। यहाँ पे सिर्फ ह्यूमैनिटी जो है वो मैटर कर रही है, हम एक दूसरे की यहाँ पे किस तरीके से हेल्प कर पा रहे हैं वो मैटर कर रही है। और यहाँ पे हॉस्पिटल्स आप लोग देख ही रहे हैं, कोई कॉल नहीं ले रहे किसी की, एम्बुलेंस का आप हाल देख ही रहे हैं। अगर हम अपने घर में देखें तो सब कुछ अच्छा है, घर से बाहर कुछ भी ठीक नहीं है। तो आप एनर्जीज पे विश्वास करिए, एनर्जीज पर विश्वास करिए और आपके घर में जो भी अच्छी चीजें हैं आप उनको प्लीज यूज करिए। जिस अफर्मेशन के साथ, जिस सोच के साथ आप अपने आसपास की वाइब्रेशन को एक होता है कोशिश करते हैं ठीक रखने की, वो बिल्कुल काम आता है। जैसे मेरा अगर इस तरीके से प्रॉब्लम आया तो मैं पैनिक नहीं हुई। अगर किसी और के साथ में भी ये प्रॉब्लम होता है तो हम लोग पैनिक नहीं होते, हम लोग उनको अच्छी राय देते हैं और इसका देखिए कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। आई एम परफेक्टली फाइन, आज मैं आप लोगों से बहुत अच्छे से बात कर पा रही हूँ, कोऑर्डिनेट कर पा रही हूँ, ठीक है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम पैनिक हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारी सोच कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाती है और जब हमारी सोच नेगेटिव हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं हमारे ओवरऑल चक्रास को क्या करती है, इम्बैलेंस कर देती है, जिसकी वजह से इश्यूज आते हैं। तो कोशिश करिए कि पॉजिटिव रहिए। अगर आपकी मशीन, जैसे बीपी मशीन बोल रही है कि आप ठीक नहीं हो, उसको इग्नोर कर दीजिए, आप अच्छी एनर्जीज को आसपास क्रिएट करिए, फिर आप चेक करिए और दोबारा देखिएगा, मिरेकल से कम नहीं होगा, आप अपने आप ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक चीज मैं आपके साथ में और भी शेयर कर रही हूँ, ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि वीडियोज हम बहुत सारे देखते हैं यूट्यूब पर, लेकिन ये पर्सनली मुझे बहुत प्यार है, ये जो कुंजिता पादम शरणम, इसमें उल्टा आ रहा होगा अभी, ये आपको मैं, अगर आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं थोड़ा सा ब्लेस करके ये कुंजिता पादम शरणम जो है इमेज, ये मैं आपको व्हाट्सएप भी कर सकती हूँ। आप ठीक है तो भी, अगर आप नेगेटिव हो रहे हैं चीजों को लेके तो भी, और अगर आपके घर में बच्चे हैं जैसे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो भी, आप कुंजिता पादम शरणम जो है, आपके घर में अगर प्रिंटर है तो ठीक है, वरना आप बाहर से भी प्रिंट आउट करवा सकते हैं। तो मैं अपने, क्योंकि लैमिनेट मैंने इसको नहीं करवाया, मेरे घर में जो है कलर प्रिंटर है तो मैंने अभी कलर कॉपी ही निकाली है। तो लैमिनेट कराएंगे तो क्या होगा, अच्छा रहेगा,
हर एक फैमिली मेंबर को, दो लोग हैं, चार लोग हैं, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स को भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कि इस मंत्रा का बहुत यूज करें। यूट्यूब का एक बहुत अच्छा लिंक है, वो भी मैं देख कोशिश करती हूँ अपने इस वीडियो के बाद शेयर करने के लिए। तो आप 108 बार अगर कुंजिता पादम शरणम बोलते भी हैं तो भी बहुत ज्यादा इसके मिरेकुलस रिजल्ट हैं। अगर आप नहीं बोल रहे हो तो आप इसको, ये जो है प्रिंट आउट फोटो कॉपी, ये आप अपने पिलो के नीचे, या मैं क्या करती हूँ अपने रूम में, मैं इस तरीके से वॉल यहाँ पे स्टिक कर लेती हूँ इनको। तो ये भी प्रोटेक्शन के लिए है, और पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा इनके साथ में काफी है। काफी जो पेशेंट हैं वो ठीक हुए हैं, काफी लोगों के घर में ये मंत्रा चलाने से पॉजिटिविटी आई है। तो मैं खुद भी ये चीजें यूज कर रही हूँ। और देखिए, खराब चीजों पे विश्वास करेंगे तो खराब होगा, अच्छी चीजों पे विश्वास करेंगे तो अच्छा ही होगा। बीच में मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ था अपने आप को लेके कि मुझे खांसी हो रही है या मुझे थोड़ा सा कोल्ड फील हो रहा था, तो वो चीज को मैंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैंने कहा कि नहीं, ये चीज नहीं हो सकती है, आई एम परफेक्टली फाइन, मुझे अपनी एनर्जीज पे बिलीव है। मैंने दो तीन चीजों का यूज किया जो मैंने अभी आपके साथ में शेयर किया, और उसके बाद जब मैंने रिजल्ट देखा 10-15 मिनट के बाद में, तो मैं आप लोगों को भी मैंने शो किया है। तो अच्छी अच्छी चीजों का आप लोग यूज करिए, अपने आप के ऊपर विश्वास करिए। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी हमारे हाथ में होती है कि हम चीजों को किस वे में लेके चल रहे हैं। और दूसरा क्या है कि चीजें डेस्टाइन है, जो होना है जिसके साथ वो तो होना ही है, लेकिन हम अगर अभी से ही सोच लें कि खराब ही होना है या अच्छा ही होना है तो ऐसे नहीं होगा। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने माहौल को पॉजिटिव रखिए, अपने आसपास के लोगों का हालचाल पूछते रहिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए। जरूरी नहीं है कि अगर हमारी तबीयत खराब होती है तो हमें डॉक्टर के पास ही जाना है या हॉस्पिटल जाना है या हमें एलोपैथी ही लेना है। अगर आप नॉर्मल अपने जो एक पानी है, पानी पीने के टाइम पे अगर आप अपने पानी को भी बहुत प्यार से ब्लेस कर देते हैं, चार्ज कर देते हैं, तो ये दवाई का ही काम करता है। तो आप लोग भी कुछ थोड़ा इस तरीके की जो चीजें मैं आपसे हमेशा डिस्कस करती हूँ, ये वर्क करती हैं, ये काम करती हैं, तो ही मैं आपके साथ में इतना सारा डिस्कशन कुछ कुछ करती रहती हूँ चीजों को लेकर। आप लोग बिल्कुल करिए, और सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। और एक ग्रेटिट्यूड का जो भाव मैं हमेशा बोलती हूँ कि अब जैसे अगर मेरा बीपी लो था तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, और जब बैलेंस आ गया तो वो जो ग्रेटिट्यूड था कि थैंक यू। एनर्जीज जो आपके आसपास आपको हमेशा हेल्प करती हैं, हमें ना यूज करना नहीं आता चीजों को। जैसे देखिए, एनर्जीज तो हमारे आसपास है, यूनिवर्सल, हमारी जो यूनिवर्स में है, हमारा यूनिवर्स ऊर्जा से, प्राण ऊर्जा से ही बना हुआ है, एनर्जीज से बना हुआ है। जैसे लाइट है, अब मुझे नहीं पता कि कैसे बनती है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे इसका यूज कैसे करना है, मुझे स्विच ऑन कैसे करना है, मुझे स्विच ऑफ कैसे करना है, मुझे फैन चलाना है, एसी चलाना है, तो मुझे रिमोट कैसे यूज करना है, ठीक है, मुझे ऑफ कैसे करना है, फ्रिज में, फ्रिज का हमें कैसे यूज करना है, टीवी का हमें कैसे यूज करना है। तो हमारे आसपास की जो चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे हवा, हवा नहीं दिखती है, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिखती है, कुछ ऐसी चीजें जो हमें नहीं पता कैसे बनी है और कैसे दिख रही हैं। बट हमें जब पता चल जाता है कि हमें कैसे काम करना है उन चीजों को लेकर, तो वो हमारे को बहुत हेल्प करता है। अब जैसे हमारे आसपास नेगेटिविटी है एयर में, ठीक है, कुछ ऐसी वाइब्रेशन हो गई है जिसकी वजह से बहुत सारी नेगेटिविटी है, तो हमें पता है कि हमें इस नेगेटिव एनर्जी को, क्योंकि एनर्जीज तो दो हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो हमें इन एनर्जीज को कैसे अपने काम में लेना है इनको पॉजिटिव करके। तो कोशिश मेरी यही रहती है, जो हमने अपने घर में अपने बड़े बड़ों से, बुजुर्गों से सीखा, हम उनके साथ बैठे, ठीक है, और हम पढ़ते हैं ना बड़े इंटरेस्ट के साथ, दादी माँ के नुस्खे और नानी माँ के नुस्खे सच में काम करते हैं। और मैं तो, क्योंकि मैंने तो अपने घर में ये सब चीजें, जब जब हम छोटे थे, बड़े हुए, तो यही सब चीजें हमने देखी, और यही प्रैक्टिकल हम अपने, जो भी ये चीजें हैं हम अपने प्रैक्टिकली बच्चों के ऊपर भी करते हैं, और वो लोग बोलते हैं नहीं मम्मी हमें बहुत रिलीफ मिला, हमें आराम मिला।
तो ऐसी चीजों के ऊपर ना जाएं जो आपको नुकसान दें। आप पैनिक नहीं होइए, घर में ही अपना एक दूसरे का ध्यान रखिए, अपनी और दूसरों की केयर करिए। ठीक है, बाहर का माहौल अच्छा नहीं है, और ये जो मैंने आपको ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए या अपने ऑरा को बैलेंस करने के लिए, चक्रा को बैलेंस करने के लिए, अपनी एनर्जीज को अच्छा करने के लिए, ठीक है, ये सारी चीजें जो मैंने आपसे डिस्कस की, खास तौर पे ये जो कैम्फर है, ये तो बहुत इसके अमेजिंग रिजल्ट है, मैंने खुद फील किया। एक होता है कि मैं डेली इस कैम्फर को, मेरी आदत है थोड़ी सी, कभी मैं इस तरीके से उपला या फिर गिलॉय स्टेम्स, मेरे घर में बहुत सारा रखा रहता है इस तरीके से, इनको तो मैं यूज करती हूँ। बट जब कल मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, तो मैंने उस टाइम पे जो अपने लिए इंस्टेंट वाली ये जो उपाय किया, इससे सीरियसली मुझको बहुत रिलीफ मिला, और वो मैंने आपको दिखाया भी। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और कुछ भी अगर आपकी क्वेरीज होती हैं तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी करिए और मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि अपना ध्यान रखेंगे तो आसपास के लोगों का भी आप अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। इस टाइम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने थॉट्स को पॉजिटिव करें। अगर आपके थॉट्स पॉजिटिव होंगे तो बाकी लोगों को भी आप हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। घर पर ही रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। गॉड ब्लेस यू।